हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है इस चैनल पर। आज हम लोग कक्षा 10 के एनसीईआरटी मैथ में प्रश्न वाले 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के प्रश्नों को हल करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के 3 प्रश्न हल कर लिए थे। उम्मीद करता हूं कि आप उसे नोट डाउन कर लिए होंगे। आइए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के चौथा प्रश्न को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 1 + ak / sin² a / 1 - cos a। यानी इसमें LHS दिया हुआ है और RHS दिया हुआ है, तो अलग अलग इसमें सोल्व करना है। सबसे पहले LHS सोल्व करते हैं। तो LHS बराबर क्या है, 1 + sec a / sec a दिया हुआ है। ओके, अब sec a से क्या करेंगे, 1 + sec a में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 sec a + sec a / sec a। ठीक है, 1 sec a बराबर क्या होता है, cos a होता है, प्लस sec a कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी LHS सॉल्व किए हैं तो कितना आया है, cos a प्लस 1 आया है। ओके, अब हम RHS सॉल्व करते हैं। RHS क्या दिया हुआ है, sin² a / 1 - cos a दिया हुआ है। ओके, sin² a बराबर क्या होता है, 1 - cos² a / क्या हो जाएगा, 1 - cos a। ओके, अब इसको हम स्क्वायर कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो a का स्क्वायर हो गया माइनस b का स्क्वायर हो गया। तो हम जानते हैं कि a² - b² बराबर क्या होता है, a + b होता है और a - b होता है। ओके, तो एक बार इसको प्लस में लिखिए और एक बार इसको माइनस में लिखिए। तो 1 + cos a और 1 - cos a, सॉरी cos a बटा में क्या हो जाएगा, 1 - cos a। अब यहाँ 1 - cos a और 1 - cos a कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 + cos a। LHS में क्या था, cos a प्लस 1, यानी 1 + cos a हम बोल सकते हैं इसको, और यहाँ भी 1 + cos a। तो यहाँ देख रहे हैं कि LHS और RHS सॉल्व करने के बाद इक्वल हो गया, तो लिख देंगे LHS बराबर RHS प्रूव। ओके, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है cos a - sin a + 1 / cos a + sin a - 1 बराबर क्या सॉल्व करना है, क्या सिद्ध करना है, cos a + cot a हमको सिद्ध करना है। ओके, तो LHS लेते हैं। LHS बराबर क्या है, cos a - sin a + 1 / cos a + sin a - 1। अब यहां क्या करना है, अंश और हर में दोनों में साइन से डिवाइड कर दीजिए। ओके, तो अंश और हर में साइन से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos a - sin a + 1 / sin a। अब इसमें भी साइन से डिवाइड कर देंगे तो cos a + sin a - 1 / sin a। ओके, अब यहां cos को साइन से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, cot a हो जाएगा, माइनस साइन को साइन से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 में साइन से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos a हो जाएगा। ओके, अब यहां पर cos a को साइन से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, cot a हो जाएगा, साइन को साइन से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, और माइनस में 1 को डिवाइड करेंगे साइन a से तो क्या हो जाएगा, cos a हो जाएगा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सेम टू सेम लिखेंगे, यानी हर को सेम टू सेम लिखेंगे, cot a प्लस में 1 माइनस में cosec a। इसको क्या करेंगे, cot a प्लस cosec a, इस माइनस 1 को क्या लिखेंगे, माइनस 1 को लिखेंगे cosec² a - cot² a, क्योंकि हम फॉर्मूला लिखवाए थे, आप लोग का याद होगा, 1 + cot² a बराबर क्या होता है, cosec² a होता है। ओके, अब 1 बराबर क्या हो जाएगा, cosec² a - cot² a हो जाएगा। इसीलिए हम इस 1 को, यानी इस 1 को यहां पे लिख दिए, cosec² a - cot² a लिखे हैं। ठीक है, अब यहां देखिए, नीचे तो सेम रहेगा, cot a + 1 - cosec a,
अब यहाँ क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस में कॉसेक ए माइनस, यहां देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको क्या करिए दो बार लिख दीजिए, ठीक है, कॉसेक कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ओके। इस तरह से हम यहां लिख दिए, यानी यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है। ए का स्थान पर कॉसेक ए लिखे हैं, प्लस बी का स्थान पर कॉट ए लिखे हैं, ओके। नेक्स्ट अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इसमें भी कॉट ए प्लस कॉसेक ए है, दोनों में से कॉमन निकाल लीजिए, ओके। अब यहाँ दोनों में से कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन आ जाएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, वन बचेगा, ठीक है, और यहाँ माइनस ये वाला बचेगा, कॉसेक ए माइनस में कॉट ए बचेगा, ओके। बटा में क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस वन माइनस में कॉसेक ए, ठीक है, यहाँ पे इंटू होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये लिखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए इंटू, अब इस माइनस से इसमें क्या करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वन माइनस कॉसेक ए, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉट ए हो जाएगा, ओके। बटा में कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक ए, अब यहां देखिए कॉट ए प्लस में वन है, प्लस में यहां भी वन है, कॉट ए प्लस में है और माइनस में कॉसेक ए है, यहां भी माइनस में कॉसेक ए है, तो इस तरह से ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो क्या बचेगा कॉट ए प्लस में कॉसेक ए बचेगा, यही हमको सिद्ध करना था, ओके। तो इस तरह से लिखेंगे एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूफ, ओके। क्वेश्चन नंबर छठा में दिया है अंडर रूट में वन प्लस साइन ए बटा में वन माइनस साइन ए बराबर क्या सिद्ध करना है, सेक ए प्लस टेन ए सिद्ध करना है, तो चलिए सिद्ध करते हैं, लिखेंगे एल एच एस बराबर क्या दिया है, वन प्लस साइन ए बटा में वन माइनस साइन ए दिया हुआ है, ओके। अब यहां पे क्या कीजिए, हर का परिमेयकरण कर दीजिए, हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, तो हर में जो दिया रहेगा उसी से ऊपर नीचे यानी अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देंगे यानी गुणा कर देंगे, तो और यहाँ पे जो माइनस चिन्ह दिया हुआ है उसको प्लस में कर देना है, तो क्या हो जाएगा वन प्लस साइन ए बटा में वन प्लस साइन ए, ओके। अब यहाँ क्या हो जाएगा, वन प्लस साइन ए और वन प्लस साइन ए मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा बटा में, यहाँ देखिए ए प्लस बी है और ए माइनस बी है, किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है वन का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटा में एक का स्क्वायर करेंगे तो एक हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहां देखिए वन प्लस साइन स्क्वायर सॉरी साइन का होल स्क्वायर, ठीक है, बटा में वन माइनस साइन स्क्वायर, किसका फॉर्मूला होता है, तो ये होता है कॉस स्क्वायर ए का, ओके। अब यहां देखिए दोनों तरफ अंश और हर में दोनों में स्क्वायर है, तो यहां क्या करेंगे, वन प्लस साइन ए बटा में कॉस ए का होल स्क्वायर कर देंगे, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, ओके। अब यहां पे क्या करेंगे, क्या बचा, रूट तो कैंसिल हो गया यहां पे, तो यहां बचा वन प्लस साइन ए बटा में कॉस ए बचा, ठीक है। अब यहां कॉस ए से वन प्लस साइन ए में डिवाइड कर देंगे तो वन बटा में कॉस ए प्लस साइन ए बटा में कॉस ए, तो यहां क्या हो जाएगा सेक ए हो जाएगा
प्लस टेन ए यानी साइन ए बटा में कॉस ए बराबर टेन ए होता है, यही हमको सिद्ध करना था। तो ये हमारा सिद्ध हो गया। लिखेंगे एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूफ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सात में दिया है साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा बटा में टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा सिद्ध करना है। ओके तो आइए सिद्ध करते हैं। एल एच एस बराबर क्या दिया है, साइन थीटा माइनस टू साइन क्यू थीटा बटा में टू कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहां साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, ठीक है, यहां साइन थीटा कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, वन बचेगा, माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। यहां साइन क्यू थीटा था तो साइन थीटा कॉमन आ गया तो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। ओके अब यहां कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए नीचे तो क्या बचेगा, टू साइन सॉरी टू कॉस स्क्वायर थीटा, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन बचेगा। ओके अब यहां क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है। ठीक है, और यहां पे इस तरह से, ठीक है, क्या दिया है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बटा में यहां टू इंटू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा को लिखेंगे वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस में वन। ओके अब यहां टेन थीटा ऊपर में क्या है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बटा में टू से यहां मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके तो टू को वन से करेंगे तो टू हो जाएगा माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस में वन हो जाएगा। ओके अब यहां टेन थीटा, ठीक है, ऊपर में क्या हो जाएगा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बटा में दो में से एक चला जाएगा तो क्या बचेगा, वन बचेगा माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है अब यहां देखिए वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा तो ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, टेन थीटा इंटू वन बचेगा। टेन थीटा को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन थीटा होगा। तो इस तरह से हमारा एल एच एस और आर एच एस प्रूव हो गया। तो लिखेंगे एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं, धन्यवाद।